आज मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज आप लोग के सामने पेश करने वाला हूँ बच्चों के लिए जो स्विमिंग पूल आती है उसी का अनबॉक्सिंग करूँगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं रवि फैक्टोरियम चैनल, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए फटाफट इसके रैपर को खोलते हैं। इसके अंदर हमें मिलता है इस टाइप का बेबी स्विमिंग पूल है जो इंटेक्स कंपनी का है, क्वालिटी तो अच्छी है इसके कार्टन की, बाकी अंदर क्वालिटी देखते हैं कि वो कैसी है। ठीक है, इसे फटाफट पहले इसके बॉक्स से बाहर कर लेते हैं। आपका स्विमिंग पूल लिखो तो उसके लिए दिया है। और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल, ये रहा हमारा स्विमिंग पूल जो फिट के लिए है। और ये कुछ यूजर मैनुअल है जिसे तो जल्दी कोई पढ़ता नहीं है, फिलहाल इसको यहाँ साइड में कर देते हैं। काफी बड़े हैं, इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 5 फीट है, इसकी गहराई है 1.5 फीट बोला गया है, लेकिन 1.5 फीट है नहीं, हार्डली ये 1 फीट होगा, जो लिखा गया था उतना है नहीं। अब बाकी इसकी लंबाई, इसके पानी डालने के बाद ही इसकी लंबाई का हम माप कर सकेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पानी डालकर इसकी लंबाई कितनी होती है और ये कैसा दिखता है, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, आगे तक बने रहिएगा। चलिए फटाफट इसमें पानी भर लेते हैं, इसको पहले थोड़ा सा फैला लेते हैं, पहले तो पानी भर लेते हैं। इसे पानी मैंने पूरा भर लिया है, मात्र 2.5 इंच करीब खाली छोड़ दिया है। अब उसके बाद हम इसके नज़दीक जाकर आपको दिखाते हैं। और ये रहा हमारा स्विमिंग पूल बच्चों की जो आती है, इसका साइज़ आप देख सकते हैं, इसका डायमेंशन बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। अब इसका मेजरमेंट करता हूँ कि कितने इंच का है, ये 1.5 फीट यानी कि 18 इंच, लेकिन ये करीब 10 इंच का है, ये देख रहे हैं ये करीब 10 इंच का है, बोला गया कुछ मिला है कुछ। इसके चौड़ाई की बात करें तो देख रहे हैं 4 फीट है, जो मैंने ऑर्डर किया था वो 5 फीट की चौड़ाई थी और 1.5 फीट ऊंचाई थी, लेकिन हमें मिला है 4 फीट की चौड़ाई और 10 इंच की ऊंचाई। रिटर्न कर सकते हैं लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि बच्चों की चीज़ है, जितना दिन लगेगा इसके रिटर्निंग में और इसके आने में उतना दिन में बच्चा तो जानते ही हैं बर्दाश्त करते नहीं हैं। डायमेंशन के अनुसार तो ये आपका बच्चों का स्विमिंग पूल तो बहुत अच्छा है और रेट भी ठीक ही है, 725 रुपये में बेटर है, लेकिन इससे ज़्यादा ही मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन
कोई दिक्कत नहीं है, ख्वाहिश तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन आई नहीं। बाकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे यूज करेंगे तो इसका रिव्यू दे पाएंगे, फिलहाल तो इतना ही है। आपको कैसा लगा ये आप बच्चों के स्विमिंग पूल, ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।